अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा पर कहा था कि अगर काराकाट से वो चुनाव लड़ते हैं तो हम भी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, हम उपेंद्र कुशवाहा का जमानत जब्त कर देंगे अगर नीतीश कुमार मौका देते हैं तो। इसी पे लेकर रालोसपा के प्रधान महासचिव सत्यानंद दांगी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नागमणि जी को तो 8 फरवरी के ही अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी निष्कासन कर दी थी, और वो जब पार्टी निकाल दी तो अब कहीं जाए उससे क्या मतलब है, कोई भी कहीं जा सकता है। ये सब बात कहते रहने का, सुनते रहने का है, आने वाले दिन में आप लोग भी देखिएगा, आप लोग रहिएगा कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार में कोई हराने वाला अभी पैदा नहीं लिया है, जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो डंके के चूर पर लड़ेंगे। और महागठबंधन की इतनी सशक्त तैयारी है कि 400 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है, और उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए हम चुनौती देते हैं इन लोग को कि जरा लड़ के देख ले, और जो दावा कर रहे हैं कितना खोखला दावा होगा इनका आने वाला समय बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के धरती पर कोई हराने वाला पैदा नहीं लिए, ये सब पूरा बकवास है, गलत बात है, आरोप यह बेबुनियाद है। इस संदर्भ में पार्टी रालोसपा पहले भी सफाई दे चुकी है, यह सब बात नागमणि जी के यहाँ से जो आ रही है वो उसमें मतलब था, उनका दो टिकट लगातार मांग रहे थे, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए मांग रहे थे, और यह स्वीकार नहीं किए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं ये लोग। तो सुना उन्होंने चुनौती देते हुए साथ में कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जो कि काराकाट से चुनाव लड़े, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े, किसकी जमानत जब्त होती है वो देखी जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, एलआर न्यूज 24x7 पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।